अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अफजल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं मौजूद हूँ फार्मा नाइट हाउसिंग सोसाइटी में, मिज़ाम मार्केटिंग की तरफ से। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 5 मरले का बहुत ही खूबसूरत घर। तो सर्दी बहुत है, तो आपसे गुजारिश है, आपके लिए हम जो है इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आते हैं, घर बहुत खूबसूरत लेके आते हैं, तो आप कोशिश किया करें, आगे भी शेयर किया करें, और कमेंट्स में जो है ना हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, घरों की जो हम वीडियो बनाते हैं वो कैसी होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस घर की वीडियो को। हम इसके घर के जो है कार पोर्च में इस टाइम खड़े हैं, आप ये देख सकते हैं, काफ़ी खुला जो इसका कार पोर्च है। 5 मरले का ये घर है जिसमें एक बड़ी गाड़ी जो है इसमें पार्क कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे आप ये देख सकते हैं, ये ड्राइंग रूम का एक डोर है, इधर से भी इसकी एंट्री हो सकती है। और ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं, इधर से जो है इसकी ये घर की मेन एंट्रेंस है। और राइट साइड पे आप ये देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रास और मार्बल का जो है इसमें यूज़ किया गया है, एक निश टाइप बनाई हुई है। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है जिसमें सीलिंग फैन जो इंस्टॉल किया गया है। तो व्यूअर्स, अभी हम एंटर होते हैं इस घर में और इसका इंटीरियर आपको विजिट करवाते हैं। और ये इसका टीवी लॉन्च एरिया है, बिल्कुल फ्रंट पे आपको एलईडी पॉइंट, सीलिंग डिज़ाइन जिसमें फानूस बहुत ही खूबसूरत जो इंस्टॉल किया गया है। और लेफ्ट साइड पे आप ये देख सकते हैं इसका ये ड्राइंग रूम एरिया है, वेंटिलेशन के लिए विंडो रखी गई है। और उसके बाद चलते हैं जी हम इसके फर्स्ट बेडरूम में, जो ग्राउंड, हम अभी आ गए हैं जी इसके फर्स्ट बेडरूम में, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका सीलिंग डिजाइन। लेफ्ट साइड पे आप ये देख सकते हैं जी इसकी विंडो वेंटिलेशन के लिए, और इसे आप जो है लॉन्ड्री के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है वाटर कनेक्शन जो है इंस्टॉल मिल जाएगा। और उसके बाद चलते हैं जी इसके अटैच वॉशरूम में। तो जैसे हम एंटर होते हैं तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसमें वैनिटी और लुकिंग मिरर, और राइट साइड पे आप ये देख सकते हैं रेलिंग के साथ जो है वार्डरोब वॉशरूम के अंदर ही, और उसके बाद टाइलों का टॉप तक जो है यूज किया गया है। उसके बाद चलते हैं जी हम इसके किचन में, ग्राउंड फ्लोर में जो किचन रखा गया है वो विजिट करवाते हैं आपको। हम अभी आ गए हैं जी इसके किचन में, आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका किचन है। टॉप और बॉटम पे जो है वो यूवी शीट का यूज किया गया है, ऑफ वाइट कलर का जो है वो मार्बल इस पे यूज किया गया है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं जी हुड और बर्नर जो है ऑलरेडी इंस्टॉल किए गए हैं, सिंक इंस्टॉल किया गया है भांडे शांडे धोने के लिए, और सीलिंग फैन जो है वो इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद चलते हैं जी हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे, वो विजिट करवाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले आप ये देख सकते हैं जी इसकी स्टेयर्स बहुत खूबसूरत है, जिसपे जो है ब्लैक कलर का जो है मार्बल का यूज किया गया है, आर्टिफिशियल ग्रास आप ये देख सकते हैं जी। फ्रेंड्स, तो हम अभी आ गए हैं इसके लॉबी एरिया में, जहां से हमें राइट साइड पे जो है वो एक एक्सेस मिलेगी टीवी लॉन्च एरिया के लिए। तो हम अभी आ गए हैं जी इसके टीवी लॉन्च एरिया में, जहां आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो इसका सीलिंग डिजाइन और फानूस इंस्टॉल किया गया है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं ओपन रखा गया है किचन, जहाँ पे आपको टॉप और बॉटम पे यूवी शीट का यूज मिल जाता है मार्बल वाइट कलर में, और इसी तरीके से हुड और बर्नर ऑलरेडी जो है इंस्टॉल किए गए हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं सीलिंग डिजाइन, आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट रखा गया है, सीलिंग फैन इंस्टॉल किए गए। और उसके बाद चलते हैं जी हम इसके फर्स्ट बेडरूम में, हम अभी आ गए हैं जी इसके फर्स्ट बेडरूम में। तो आप ये देख सकते हैं सीलिंग डिजाइन, और उसके बाद बैक साइड पर आप ये देख सकते हैं विंडो रखी गई है वेंटिलेशन के लिए, टेरेस रखा गया है, और इस वॉल पे आप ये देख सकते हैं एक विंडो इस साइड पे रखी गई है, वेंटिलेशन का बहुत ही जो है खास ख्याल रखा गया है। उसके बाद हम विजिट करेंगे इसका अटैच वॉशरूम। तो जैसे हम एंटर होते हैं तो आप ये देख सकते हैं लुकिंग मिरर और वैनिटी, और उसके बाद वार्डरोब जो है वॉशरूम के अंदर इंस्टॉल की गई है, और आप ये देख सकते हैं जी शावर एरिया और कमोड रखा गया है जी इसका, अपोलो के कमोड वगैरह रखे हुए हैं। और उसके बाद चलते हैं जी हम इसके सेकेंड बेडरूम में, वो विजिट करते हैं जी। फ्रेंड्स, तो हम अभी आ गए इसके सेकंड बेडरूम में। तो जैसे हम एंटर होते हैं जी, तो हमें इसकी जो वार्डरोब है वो बेडरूम के अंदर ही इंस्टॉल की हुई मिली है, वेंटिलेशन के लिए विंडो रखी गई है। उसके बाद अटैच वॉशरूम एक साथ देख लेते हैं, ये जी मास्टर की जो वैनिटी और कबोर्ड और उसके साथ साथ लुकिंग मिरर जी। फ्रेंड्स, तो ये तो था हमारा 5 मरले का विजिट। उम्मीद करता हूँ आपको ये विजिट हमारा अच्छा लगा होगा। तो अगर कोई दोस्त इस घर को परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मिज़ाम मार्केटिंग के नाम से हमारा ऑफिस है, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल दूंगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह निगहबान।